यो अस्सलाम तो ऐसा हो सकता है तो हम लोग खा रहे रोज तो समोसे ट्राई करते हैं आपको भी बताते हैं इसका कितना मजे का है। हाँ, अस्सलाम गाइस शुरू करती हूँ के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है आज हो रही थी सुबह से बारिश और पेशन गोई भी थी कि आज जो है कराची में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होगी तो सुबह से ही ऐसा मौसम हो चुका था बारिश का और बहुत तेज बारिश हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़े बनाए जाए तो फटाफट फड़ मैंने जो है पकोड़ों के लिए मसाले वगैरह रेडी कर लिए थे मैंने कुछ आलू वाले पकोड़े बनाने थे जिसके लिए मैंने जो है बेसन पिसा हुआ धनिया हल्दी कुटा हुआ धनिया कुटी लाल मिर्च और ये कुछ मैंने जो है आलू प्याज धनिया और हरी मिर्च जो है वो मैंने काट लिया था क्योंकि ये सब चीज़ें पकौड़ों में शामिल हो तो बड़ा मज़ा आता है क्रंच आता है एक पकौड़ों में मैंने इसके अंदर अब बेसन डाल दिया था मैं थोड़े से पकोड़े बना रही थी थोड़े से आलू वाले जो है वो पकोड़े तल रही थी और उसके साथ मैंने कुछ रोल और समोसों का भी प्लान किया हुआ था मज़ा आता है बारिश हो तो अब मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दूंगी और इसको जो है मैं मिक्स कर लूंगी और फटाफट से मैंने इसके अंदर सारे स्पाइस डाल दिए और इसको अब मैंने मिक्स कर दिया था अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको मिक्स करना शुरू कर दूंगी बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बन के तैयार हुए थे आप लोग भी लाजमी ऐसा लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पालक भी डालते हैं तो मैंने सोचा इस दफ़ा पालक के बग़ैर जो है ये पकौड़े ट्राई किए जाएँगे मैंने इसका बैटर जो है वो तैयार कर देगी ना ज़्यादा बहुत थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है इसका बैटर पतला है बिल्कुल नॉर्मल बैटर था अब मैंने जो है कढ़ाई में तेल जो है वो रख दिया था अब इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े करके सारे पकौड़े जो है वो फ़्राई करती जाऊँगी बारिश इस कदर ज़ोर की और थी बादल इतने ज़्यादा गरज रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत सारे बादल जो है एकदम ज़ोर ज़ोर से जो है गरज रहे थे तो बारिश का मौसम हो और उसके साथ पकोड़े ना हो तो ये कैसे हो सकता है आप लोग बारिश के मौसम में क्या क्या खाते हैं क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है मैंने अब जो है पकौड़े डाल दिए थे अब इसके साथ साथ मैं जो हूँ इसको करती रहूँगी और ये देख सकते हैं आप बारिश बहुत तेज़ हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो उसके साथ साथ ये पकोड़े जो हैं मेरे फ्राई हो चुके हैं अब मैं इनको एक एक करके यानी कि सारे पकोड़े निकाल दूंगी मैं अब आपको इसका लुक दिखाऊंगी कितना ख़ूबसूरत इन पकौड़ों का लुक आया था ये देख लें ये देखें गाइस कितना खूबसूरत ये पकोड़ों का लुक आया था आप लोगों ने भी बारिश किस तरीके से इन्जॉय की और इतनी ठंडी ये बारिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ठंड थी और यहाँ पे मैं जो है बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो वहाँ से मुझे हॉस्पिटल भी जाना था क्योंकि मेरी सिस्टर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी उनका ऑपरेट था तो न्यू बॉर्न बेबी आने वाला था हमारे घर में तो उसकी भी चंद झलकियाँ मैं आपको लाजमी लाजमी इस व्लाग में दिखाऊंगी मुझे ये पकोड़े फ़्राई करके सीधा जो है हॉस्पिटल जाना था और आप लोग देख सकते हैं बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो बस मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि जैसे ये बारिश थमे और मैं हॉस्पिटल के लिए फटाफट निकलूँ अब मैंने सोचा थोड़े से जो है समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ साथ ही साथ मैंने समोसे भी निकाल लिए थे ये मैंने आपको मेक इन फ्रीज वाले समोसे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे ये वही समोसे हैं देखें फ़ौर से मैंने निकाल के आराम से मैंने इनको फ्राई कर लिया तो ये देखें इसका लुक चेक कर सकते हैं ये बहुत यमी समोसे रेडी हुए थे और आप लोग भी लाजमी मुझे बताइएगा कि आप लोग बारिश के मौसम में क्या क्या खाते हैं और क्या क्या बनाते हैं लाजमी मुझसे ये अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा तो ये अब मेरे जो हैं समोसे रेडी हो गए हैं अब मैंने साथ साथ जो है रोल थे रोल मैंने जो है कट कर लिए थे हाफ हाफ कर लिए थे तो उसके बाद ये मैंने रोल जो है हाफ़ हाफ ही फ्राई किए थे रोल भी बहुत मज़े के तैयार हुए थे और इसके बाद मैंने आलू वाले पकोड़े पकौड़े को बताए थे कि थोड़े से मैं आलू वाले पकोड़े भी बनाऊंगी अब मैंने ये थोड़े से आलू वाले पकोड़े भी बना लिए थे ये भी साथ साथ में फ़्राई करती जा रही थी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वहाँ से मुझे जाना था हॉस्पिटल अब मैं यही सोच रही थी जल्दी जल्दी मेरा टाइम स्पेंड हो जाए और जल्दी से कहीं बारिश रुके थमे तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ अब ये चेक कर सकते हैं आप ये पूरा मैंने जो है प्लेटर एक तरीके से तैयार कर लिया था और बहुत मज़ेदार ये समोसे पकोड़े सब बने थे और बहुत इन्जॉय कर कर के हमने बारिश भी देखी और ठंडी बारिश थी और इन्जॉय भी किया और बहुत मज़ा आया हेलो अस्सलाम वालेकुम आपको तो पता है कि आज कराची का मौसम कैसा है बाहर हो रही है बारिश और बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो रोल समोसे ना हो ऐसा हो सकता है तो हम लोग खा रहे हैं रोल समोसे रोक तो दे तो हम लोग खाने लगे हैं फिर ट्राई करते हैं आपको भी बताते हैं कि कितना टेस्ट है इसका कितना मजे का आलू के पकोड़े तो टेस्टी हैं ये वाला चेक करते हैं मसाले वाला क्या था? अच्छा 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 अब ये जो है स्प्रिंग रोल है ये ट्राई, ये स्प्रिंग रोल है ये देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा <laughs> अच्छा टेस्टी है तमोगर समोसा ये इसको टेस्ट करते हैं क्या समोसा अच्छा बहुत जबरदस्त है तो मेहमान जो है हमारे घर में आ चुका है अल्लाह की रहमत आई है हमारे घर में तो उसके मैंने फीडर फटाफट से बॉईल कर लिया था और मैंने कहा फटाफट से बॉयल हो जाएगा फीडर तो अभी हम आपको जो है फ़ेस रिवील नहीं करेंगे फेस भी रिवील करेंगे इन आगे अभी जो है हम मैं उसको जाके जो है ऑपरेट हो चुका था फिर मैं डिस्चार्ज करके उसको ले आई थी आज अल्लाह का शुक्र है धूप निकली है तो ये है कि हमने धूप भी ली और उसके बाद जो है हमने फटाफट से फीडर मुन्नी का जो है वो बॉयल कर लिया था ताकि इसको जो है थोड़ा सा फीड कराया जाए तो उसके बाद ये है कि हम आपको जो है फेस भी इन शन करीब दिखाएँगे माशाला से ये देख सकते हैं आप हमारी बेबी गर्ल तो ये कि फ़ेस भी इन जल्द रिवील कर देंगे आपको दिखाएंगे अल्लाह का शुक्र है सही बिल्कुल सही सेट हो चुका है ऑपरेट हो गया था अब हमने सोचा क्यों ना हम घर की भी थोड़ी सी तै अब हम लोगों ने जो है फटाफट से घर सजाना है घर सजाने की सारी तैयारी करेंगे हम और उसके लिए हम लोगों ने कुछ मंगा कुछ हम लोगों ने जो है ऑर्डर करवा के सजावट का कुछ सामान मंगा लिया था ये सजावट भी मैं आपको लाजमी अगले व्लॉग में लाजमी शेयर करूंगी तो हिबा और हाशिर ने फटाफट से ये सारा सामान लेके सजावट का जो है ये लोग सजाने जा रहे थे घर को सजा कह रहे थे मम्मा हम सजाएंगे, हम हमें सजा, सजाएंगे मैंने कहा चलो आप लोग सजा लो तो ये है कि ये सजावट वाला व्लॉग मैं आपको लाजमी लाजमी दिखाऊंगी और किस, किस ने ये वाला व्लॉग देखना है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मैं आपको आपके साथ वो वाला व्लॉग लाजमी शेयर करूंगी हमारी मुर्गी जो है अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी हमने थोड़ी सी धूप दिलवाई उसको तो गाइज़ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़